मुझे माफ कर दीजिए साहब जी, मैं कान पकड़ता हूँ, आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे 100 जूते मार लीजिए, लेकिन मेरी गलती माफ कर दीजिए। मैं ना ही आपका बेटा हूँ, ना ही वो मेरी बीवी है, ना ही मैं उसका पति और ना ही मैं रोहित हूँ। मेरा नाम विकी है। मैं गलती से इस शहर में आ गया और गलती से यहाँ के लोगों ने मुझे रोहित रोहित बुलाना शुरू कर दिया और उनकी गलतफहमी ने मुझे इस घर में पहुंचा दिया। आपका बेटा समझ कर सबने शिवरात्रि मनाई और मुझे खूब पिलाई। मैं आउट हो गया और यहीं सो गया, और जब नजरें खुली तो आप सामने थे। मेरा यहाँ आने का कोई इरादा नहीं था। आप विश्वास कीजिए, आप चाहे तो मेरी तलाशी ले सकते हैं। ये देखिए, अब मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ। एक रात की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। जयराम जी की जानी, अब मेरा मतलब है डैडी जी, नहीं पिताजी, नहीं सेठ जी। ठहरो, मैं जानता हूं कि ना ही तुम मेरे बेटे हो और ना ही वो तुम्हारी पत्नी है। वो मेरे बेटे की पत्नी है जिसकी शक्ल हूबहू तुमसे मिलती है। मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, मर चुका है। इसे ही कुदरत का करिश्मा कहते हैं। परसों रात रोहित की मौत हुई और आज उसने उसके हमशक्ल को इस घर में भेज दिया। नेहा और रोहित कुछ दिनों पहले सेंट मैरी स्कूल के ओल्ड स्टूडेंट्स रियूनियन फंक्शन में बरसों बाद मिले। हाय, आई एम रोहित वर्मा, स्कूल का एक्स स्टूडेंट। आई एम सॉरी, शायद ये कहना बेहतर होगा कि इस गुरुकुल का, इस परिवार का ऐसा सदस्य जो 10 साल बाद घर लौटा है। 10 साल पहले जब हम यहाँ से गए थे तो स्कूल ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर हमारी आंखों में कुछ सपने रख दिए थे। कुछ सपने तो सच हुए, लेकिन कुछ सपनों ने अपनी शक्ल ही बदल दी। हम में से बहुतों की शादियाँ हो गई, बहुतों के बच्चे हो गए, लेकिन कुछ लोग ऐसी कैटेगरी में भी आते हैं जिनका मामला noproposal.com पे अटका हुआ है। आप पूछेंगे कि मैं 10 साल तक यहां क्यों नहीं आया, उसकी वजह दरअसल एक लड़की है। वो मेरी क्लासमेट थी, लेकिन हम एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। सारा दिन लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना। अगर मैं स्विमिंग पूल में कूदता तो मेरे कपड़े लेकर पेड़ पर चढ़ जाती। हम दोनों की नोटबुक्स एक दूसरे के कार्टून से भरी रहती। मिसेस डिसूजा डांट डांट के थक जाती, लेकिन हम बाज नहीं आते। मैं उसे मेंढकी कहकर चिढ़ाता था और वो मुझे बैंगन कहकर सताती थी। उसके एक बर्थडे पर मैंने एक प्रेजेंट गिफ्ट रैप करके दिया। उसने थैंक यू कहते ही जैसे ही डब्बा खोला, उसमें से एक मेंढक निकलकर उसके मुंह पे जा टकराया। वो चिल्लाई तो मैंने हंसते हुए कहा, मेंढकी योर बॉयफ्रेंड, किस तो करने दो। उसने डिब्बा जोर से मेरे मुंह पे मार दिया और रोते हुए कहा, मेरी किस्मत में यही चाहते हो तुम, यू आर नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। वो तब तबाई आंखों से मेरी तरफ देखती रही, फिर नजरें झुकाई और भाग गई। वो हमारे स्कूल का आखिरी दिन था। मैंने 10 साल उन आंखों को भुलाने की कोशिश की। सोचा कि बचपन का प्यार था, शायद इंफैचुएशन। वो आंखें आज भी मेरा पीछा करती हैं, एंड इफ आई एम लकी, वो आंखें आज भी इस ऑडिटोरियम में कहीं ना कहीं से मुझे उसी तरह देख रही होंगी। सॉरी, मैंने आप लोगों को उसका नाम तो बताया नहीं। उस लड़की का नाम है नेहा। नेहा, नेहा, आज भी तुम्हारे लिए एक मेंढक लाया हूं। क्या करूं, बहुत बड़ा हो गया हूं तो बॉक्स में फिट नहीं आया। आई लव यू नेहा। हेलो,
डैड, I've fallen in love. मुझे प्यार हो गया है. क्या? लड़की से प्यार हो गया? तुझे? मतलब मेंढकी को भी जुकाम हो गया? Wrong, Dad. मुझे मेंढकी से प्यार हो गया है. क्या? और उसी से शादी करना चाहता हूँ. अरे भाई, लेकिन कौन मेंढकी? वही जो मेरे स्कूल में पढ़ती थी. अच्छा 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 अच्छा, जो तुझे बैंगन कहकर पुकारती थी वो? हैं? आरती मिल के मालिक रंजन शर्मा की जो बेटी है वो? Hey, you're right, Dad. आपको दिल्ली जाके उसके माता पिता से मिलना होगा और उनसे मेरे लिए उनकी बेटी का हाथ मांगना होगा. वाह बेटा, यानी चोरी करे तू और थारेदार से मैं निपटू. डैड कौन है? मैं. निपटेगा कौन? मैं. गुड बॉय. शरारती है. ढोलक पे थाप जरा जोर से लगाओ, आ गई है नेहा, जरा सुर में गाओ. अरे ठहरो ठहरो ठहरो, जरा थम तो जाओ, काहे की ये धूमधाम, जरा मुझे तो बताओ. बंद रही है अनजान, तेरी खता नहीं है, ऐसे कह रही है जैसे कुछ पता नहीं है. ढोल बज रहा है, घर सज रहा है, जरा जल्दी बताओ, मुझे चक्कर आ रहा है. नाटक करने की तू है आदि, 12 तारीख को तेरी है शादी. क्या? तूने शादी की हाँ कर दी, इस बुढ़िया में जवानी भर दी. खुशी से उछल जाएगा दीदी तेरा जी, ऊपर जाके देख बैठे हैं जीजा जी. रोहित यहाँ? हाय. हाय. चक्कर खा गई ना? तुमने तो सोचा होगा सागर चला के ऑस्ट्रेलिया, जान छुटी, अब कभी वापस नहीं आएगा. वहाँ कोई गोरी मेम के साथ शादी कर कर वहीं सेटल हो जाएगा. लेकिन क्या करूँ, कोई गोरी मेम पसंद ही नहीं आई, इसलिए यहाँ गया, बैक टू पवेलियन. तुम्हारे मॉम डैड को मैं पसंद हूँ और मेरे मॉम डैड को तुम. वैसे भी हम दोनों तो एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी तय हो गई. मैंने सोचा कि अगर तुम ना करोगी तो मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर मंदिर ले जाऊँगा और वहाँ तुमसे शादी करूँगा. और फिर मैं तुमसे इतना प्यार करूँगा कि तुम अपने आप को कोसोगी कि मैंने इसे पहले ना क्यों की. अरे टेंशन क्यों ले रही हो? अगर तुम इनकार करोगी तभी मंदिर में शादी करूंगा ना. वैसे मैंने शादी के सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं. खाना ताज के किचन से होगा, गजल का प्रोग्राम अनूप झोलोटा का होगा, शनाई अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह खान साहब सुनाएंगे, और तबला नवाजी के लिए मेरा जिगरी दोस्त जाकिर हुसैन आएगा. अरे ऐसा फन पेश करेगा कि जाकिर का जिक्र कई सालों तक चलता रहेगा. और अरे 3 बज गए, देखा तुम्हें इंप्रेस करने के चक्कर में मैं लेट हो गया ना. अरे मुझे कितने सारे अरेंजमेंट्स करने हैं. नेहा, आई विल सी यू आफ्टरवर्ड्स, बाय. वर्मा साहब, मेरे पास सिर्फ इतना जवाब है कि आपने आने में देर कर दी. मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी और के साथ तय कर चुका. मेरे ख्याल से आप जल्दबाजी कर रहे हैं, कम से कम एक बार अपनी बेटी से पूछ तो लीजिए. मिस्टर वर्मा, शी इज माय डॉटर. दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरी बेटी की शादी वहीं होगी जहां पर मैं चाहता हूं, सागर भारद्वाज के साथ. लेकिन मैं रोहित से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी. लेकिन बेटा सागर से तो... मगर सागर सिर्फ मेरा एक अच्छा दोस्त है मामा. हमारी दोस्ती को रिश्ते में बदलने से पहले मुझसे पूछा तो होता. पूछा था? मेरे परम मित्र ने अपने बेटे और तुम्हारे दोस्त सागर से पूछा था और सागर इस रिश्ते के लिए खुशी से राजी हो गया है. इसे दोस्ती नहीं, चाहत कहते हैं. और चाहत और शादी के बीच प्यार के लिए कोई जगह नहीं होती. मैंने तुम्हारे उस रोहित वर्मा के पिताजी को समझाया कि दोनों खानदानों के बीच में दरार डालने की कोशिश भी ना करें. पापा, मैं रोहित को बचपन से चाहती हूँ. कम ऑन नेहा, 12 तारीख को तुम्हारी शादी है, सारा घर तैयारी में जुटा हुआ है. जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ, आराम करो. Yes, my darling. What can I do for you? मजाक छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है. Thank you.
नमस्ते साहब। इस वक्त मंदिर जाकर हम करेंगे क्या? शादी। दोस्त तो बोल दिया मगर दोस्त को समझा नहीं। अच्छा दोस्त खुशियां देता है, चिंता नहीं। वो देखो चक्कर खा गई ना सागर। मैं चक्कर तो रोहित भी खा गया था जब मैंने उसे फोन किया और यहां बुलाया। Hey, you're great, सागर। मुहूर्त का वक्त जा रहा है और इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदलू ना, तुम लोग जल्दी से अंदर जाओ, शादी कर लो। ताज का खाना कैंसल, सॉरी बिस्मिल्ला खान साहब, प्रोग्राम कैंसल है क्योंकि शहनाई इनके दिल में पहले से ही बज रही है और इस तरह से बज रही है कि जाकिर हुसैन साहब अगर आप यहाँ होते तो आपके तबले के साथ इनकी जुगलबंदी शुरू हो जाती। एंड सॉरी टू से, जीत इन्हीं की होती। खुश रहो, जीते रहो, सदा सुहागन रहो। हेलो। हेलो मामा। मैं नेहा। बोलो बेटा क्या बात है? मैं और रोहित हम दोनों ने शादी कर ली। ये क्या कह रही तू? हाँ माँ, मैंने सागर को सब कुछ बता दिया था। सागर को सब कुछ बता दिया था? क्या बता दिया था? यही कि मैं और रोहित एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती और सागर ने हमारी शादी करवा दी। बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हम लोग वहाँ आना चाहते हैं मामा। आप प्लीज पापा को समझाइए ना, हम लोग वहाँ आकर आपका आशीर्वाद। अब इस घर में कदम रखने की भी जरूरत नहीं है नेहा। आरती फोन रख दो। पापा प्लीज। आरती फोन रख दो। पापा प्लीज, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे दुल्हन के रूप में देखें। आपका आशीर्वाद मिल जाए तो दुख थोड़ा हल्का हो जाएगा कि आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बेटी की मांग में सिंदूर। तुम्हारी मांग में सिंदूर हो या उजड़ जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम हमारे लिए मर चुकी हो। थैंक्स पापा, आपने मुझे सुहागन ही मार दिया, मेरे लिए यही आपका आशीर्वाद है। आज से नेहा बेटी है मेरी, इसे इतनी खुशी दे कि इसे कभी अपने मायके की याद भी ना आए। Hey, love you, dad.